आज सुबह सुबह पूर्विक ने ये हम बोलते हैं ना लड्डू बनाए, गणेश जी को अर्पण कर दिए और अभी खा रहे हैं। घर पे तो कोई है नहीं, हम वहाँ पे चूरमा के लाडू बोलते हैं। देखो ये लड्डू हम अपने घर पे गणेश जी को पहले अर्पित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ है इसलिए करें, बट सुबह पूर्विक को ऐसे ही मन हुआ और बना दिए। तो सबसे पहले अभी तो एक मनन ही है घर पे। और नीरव भाई आज मनन बना रहा है, क्या बना रहा है? कुछ नहीं। नहीं बता बता क्या बना रहा है? ये कुछ आलू तो रख रहा है। तो बोल बड़ा पाव। चलो बॉम्बे स्टाइल बनाना है। तो बॉम्बे स्टाइल बनाने के लिए उसके लिए भी एक और वो है चीज करने के लिए करनी पड़ेगी उसके लिए, चटनी बनाने के लिए। करेगा तू? कर लेंगे भाई। कर लेगा? खाना है तो अच्छा खाना। अच्छा लसनिया। वाह चलो भाई उसके लिए कितने लहसुन निकाले हैं? कितने आपने निकाले नीरव भाई? ये इतना लहसुन मंजी क्यों भाई? एक 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 पर्सन के लिए एक लहसुन? अबे भाई फिर तो पूरा दिन अपना सिर खो जाएगा, लहसुन खा के खो जाएगा सिर और क्या कुछ पता नहीं। यहाँ पे देखो कितनी जगह कर ली हमने कल। तो भाई ये किसका टी शर्ट है? मंजी का है। चलो भीग गया। टॉवल तो मैंने सारे ले लिए। भाई देखो आज तो बारिश होने लगी है। अभी ये बारिश में हम कहाँ बाहर जाए यार? बाहर जाने वाला था, घूम के आने वाला था, बस क्या जाएगा घूम के? मतलब कि जो अपना साड़े ना वो हो कौन है किसने? ओ बुरा भाई क्या जा नीचे नहाने जाना है? मुझे नहाना बाकी है नहाने के लिए। देखो बुरा भाई और भाभी जी, देखो हम इतने ही नजदीक रहते हैं। चाय पीने आ जाओ, चाय पीने। भाभी मना मत करो, आ जाओ बुरा भाई चाय पीने। राणा जी चाय बना रहे। देखो मैं पूरा भीग गया। राणा जी कहाँ गए? राणा जी शायद से वॉशरूम चले गए। वॉशरूम में है कोई? नाल देखो भाई थोड़ी देर कहाँ सो गया और बाल की हालत देखो, दवाई नहीं लगाई थी ना इसीलिए। आज शायद से वड़ा पाव बनने का प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि मंजी गया था कोस्टको, वहाँ से पाव लेके आया था। तो वड़ा पाव बनेगा। और देखो गणेश जी को हमने जो भोग अर्पण किया था उसमें से कुछ बचा ही नहीं है, सारे मतलब सारे लड्डू खाली हो गए। अभी शायद से पूर्विक भी शिफ्ट पे जाने वाला है। क्या पड़ा है चाय भाई? तो है उसकी कोई दिक्कत नहीं, दूध पड़ा हुआ है। देखो ये दूध हमारे ऐसे में आता है, ये कितने फेट का दूध आता है वो आप देख लो। ये सिर्फ 3.25% है लेकिन 2.5 फीट का फैट का ही दूध है। कहाँ पे भाई, इंडिया में हम 9-10 फैट का भैंस का दूध पीते थे भाई ओफेलो का। ये इसने चाय बनने के लिए इसको बहुत बहुत उबालना पड़ता है, मतलब जब तक 50% ना हो जाए ना तब तक इसको चालू ही रखो। ये दो दिन पहले का आटा, ये देखा था ना आपने पार्ट कूट रहा था। चलो इसको भी थ्रो करना है। बाकी पेटलर का फ्रिज कैसे अनऑर्गेनाइज दिखता है देख लो आप, सारी चीज़ें ऐसी हाजमोला। ये कौन खाता होगा कमेंट करो, ये कौन खाता होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, समझ गए ना आप लोग? और ये चॉकलेट। राणा जी चाय बनाओ। और बुरा भाई आ रहे है, चाय किसी ने बनाई हुई पड़ी हुई है, ये पूरी पीना भूल गया होगा चाय। बट अभी बुरा भाई आ रहे हैं, चाय वाय बनाते हैं। मैं पहले सबसे पहले फ्रेशअप हो जाता हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धो लेता हूँ, वॉशरूम हो लेता हूँ और फिर थोड़ी बहुत शाम की आरती भी कर लेते हैं। बाकी बाहर ओ रुको
धमाकेदार पाव हवा के साथ। ओ बिजली, मौसम बिगड़ा है भाई, आज मौसम बिगड़ा है, बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, आज मौसम का मूड कुछ और ही है। अरे भाई दोपहर में वो देखो, आज हमें यार आज वो बनाने वाले थे राणा जी, उमड़ भजिया हमको आज बनाने, उसके नीचे फिर नहीं बनाएंगे भाई, हर रोज नहीं बनता। कांदा भजी फटाफट बनेंगे, बट उसके लिए क्या है कि तेल वेल और वो सब भी करना निकालना पड़ेगा ना, तेल शायद किसी ने जाने दिया है पूरा, कल का ऑयल नहीं है, पड़ा है पड़ा है। तो वो तो राणा जी आपको भी आती है ना, अभी तो आगे सीखो आप राणा जी। बुरा भाई अभी वहाँ पे थे, सिटी मार रहे थे वहाँ से, घर से मैं बाहर निकला ब्लॉग शूट करने के लिए, अभी तो वो भाभी क्या पूरा भाई आए या ना आए, या ना आए क्या लगता है? नहीं आने देंगे। हाँ कहीं पे ही कड़क का भड़का हो रहा है, बुरा भाई कहीं पे डूब ना जाए। बारिश एकदम बहुत बहुत ज्यादा हो रही है, वो मुन्नन और वो सब शिफ्ट के आई शिफ्ट मनन और कसम बेटी पूर्वी को वहाँ पे जाना है, वो जैसे वैसे तो वो ब्लॉग नहीं देखते इसलिए अच्छा है हम बोल सकते हैं, उसको क्या पता। वो पीटी दादा उसके बारे में आपको कुछ बता दूँ तो, पहले तो वो 24 घंटे में से 19 घंटे सोते हैं। जब भी देखो आप ये बेड पर ही मिलेंगे, ठीक है, फिर एक हमारा बीमार नहीं आता है, वो 24 घंटे सोता है, जब सोता है तो 24 घंटे सोता है और जब जगता है तो 24 घंटे जगता है, सबकी मतलब वाट लगा दे। चलो अभी तो ब्रेड और वो सब थोड़ा थोड़ा खा लिया था, और जो हमने लड्डू अर्पण किए थे भगवान जी को वो भी खा लिए थे बढ़िया से, अभी तो फ्रेश अप हो लेते हैं भाई। ये मेरी बाल की हालत तो देखो कैसे हो रखी है, जोश में आया था और तब आपने देखा ना कैसे हो रखा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज शायद बारिश की वजह से कहीं पे मैं नहीं जा पाऊँगा, तो अगर कुछ आगे होता है तो प्रोसीड करते हैं, वरना आज का व्लॉग यहीं पे भाई, फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, वरना तो कुछ खाना वाना बनाता ना वो मैं दिखाता, ठीक है, आज का यहीं पे।